कारगिल युद्ध में शहीद हुए मैनपुरी के वीर सपूतों के परिजनों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शहीदों के परिजनों का कहना है कि तत्कालीन सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, उनमें से कई वादे आज तक पूरे नहीं हुए। कोई भी सरकारी नुमाइंदा उनका हाल जानने आज तक नहीं आया। कारगिल युद्ध में शहीद सैनिकों के परिजनों का कहना है कि आज तक उनके किसी भी सदस्य को नियमानुसार सरकारी नौकरी नहीं दी गई है। जिला प्रशासन कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को कोई तवज्जो नहीं देता है। यहां तक कि जिला प्रशासन को जानकारी देने पर भी जिला प्रशासन उन्हें नहीं पहचानता। इससे लगता है कि कारगिल युद्ध में शहीद सैनिकों के परिजनों को उनसे किए गए वादों को पूरा करने की उन्हें आज भी दरकरार है। आखिर कब खुलेगी सरकार की नींद? देश के लिए शहीद हुए सैनिकों के परिजनों का दर्द आखिर सरकार को कब दिखाई देगा? कारगिल शहीद दिवस पर शहीद हुए सैनिकों के परिजनों ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। तत्कालीन सरकार के जो किए हुए वादे हैं उनमें से संभवतः लगभग सब पूरे हुए हैं। कुछ हैं जो अधूरे हैं आज भी जी, और उनके लिए लगातार जिला प्रशासन को भी अवगत कराया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया गया। ऐसा कौन सा वादा है जो आपका पूरा नहीं हुआ? एक शहीद द्वार के लिए बोला गया था और जो शहीद द्वार अभी तक आज 20-22 सालों बाद भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया। क्या आपके परिवार किसी सदस्य को नौकरी मिली है? नहीं, इस तरीके का कुछ नहीं हुआ है किसी भी परिवार को। मैनपुरी जिले में कारगिल शहीद 5 लोग हैं और 5 मेरे अनुमान से किसी को भी सर्विस नहीं है। मेरा नाम मोदी यादव है, मेरे पिताजी का नाम अमर शहीद सत्यदेव यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये बताइए, जब वादे किए गए थे, जब आपके पिताजी शहीद हुए थे, तो कितने वादे उसमें से पूरे हुए हैं? वादे जो पूरे किए हुए थे वो वादे सारे ही पूरे हुए हैं, कुछ वादों को छोड़कर। जैसे कि हमारे जो भाई लोग हैं, जो परमी जो शहीद का परिवार है, सर्विस को छोड़ के और जितने भी हमारे परिवार को जितनी तवज्जो देनी चाहिए उतनी नहीं मिलती है। जैसे जिला प्रशासन है, ये लोग जाते हैं तो इनको पर्चे भी देना पड़ता है, फिर भी नहीं उनको इतना तवज्जो इतना वैल्यू, कोई कोई वैल्यू नहीं देती जी। आपके परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी मिली है? नहीं, किसी को भी सरकारी नौकरी नहीं मिली। यहाँ तक कि हमारे इतने भी भाई भैया लोग हैं, किसी को भी नहीं मिली। अच्छा, सरकारी नौकरी का वादा किया गया था जी, लेकिन मिली नहीं आज तक? नहीं।